हाय फ्रेंड्स, आई एम आरवी प्रसाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को मैथ और फिजिक्स से संबंधित तथ्यों को देते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैथ और फिजिक्स में हमारे चैनल के माध्यम से लाभ होगा। तो आज हम फिजिक्स में अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी लिखते हैं। ए वायु के सापेक्ष, एन अपवर्तनांक, जी किसका, कांच का। ये है हमारा 1.50। और फिर कह रहा है कि कांच के सापेक्ष, तो जी के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, डायमंड का। ये दिया हुआ हमारा 1.61। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ए वायु के सापेक्ष, एन अपवर्तनांक किसका, हीरे का। ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि कांच के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, जी एन डी इज इक्वल टू ए एन डी वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये और आपसे क्या पूछा गया है, ए एन डी पूछा गया। ये पूछा गया है, अगर ये पूछा गया तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से जी एन डी, और ये इधर आके गुणा कर लेगा ए एन जी इज इक्वल टू, ये बच जाएगा ए एन डी। और जी एन डी आपके सामने है 1.61 मल्टीप्लाई ए एन जी 1.50 इज इक्वल टू ए एन डी। और इसको जब आप हल करेंगे 2.415 या इसको कह सकते हैं 2.41, क्या हो गया ये ए एन डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे, आपको दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 और कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.61। आपसे पूछा गया है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो आप कांच के सापेक्ष हीरे के अपवर्तनांक को जानते हैं फॉर्मूले के रूप में ए एन डी वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यहां पर आपको ए एन डी निकालना है, तो ए एन डी इज इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर पर, तो ये इधर आके गुणा कर देगा जी एन डी इंटू ए एन जी, ये हो जाएगा। और ये दोनों मान आपको दिए हुए, जी एन डी भी दिया हुआ है 1.61 और ए एन जी भी दिया हुआ है 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, तो वायु के सापेक्ष ए लिख देंगे और क्या लिखेंगे, यन अपनी जगह रहेगा, किसी द्रव का, तो द्रव के लिए हम यल शब्द यूज करते हैं लिक्विड, ए एन एल इज इक्वल टू 1.25। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ए, यन अपनी जगह रहेगा और कांच का अपवर्तनांक जी ग्लास के लिए, क्या हो जाएगा 1.50। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, द्रव के सापेक्ष यानी यल एन जी, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं यल एन जी इक्वल टू क्या होता है, ए एन जी बटे ए एन एल, और ए एन जी का मान मालूम है आपको 1.50 और ए एन एल का मान मालूम है आपको 1.25, और इसको जब आप हल करते हैं तो आता है 1.2, तो ये आपका हो गया एल एन जी बराबर 1.2, यानी द्रव के सापेक्ष, इसको कहते हैं द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एल एन जी इज इक्वल टू 1.2। अगला हमारा क्वेश्चन है,
कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का आपतनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि कांच का आपतनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड है और माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है ये, और कांच का आपतनांक दिया हुआ है 3/2, तो ये पूछा गया है तो इसको आप इधर उठा लाइए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये ऊपर चला गया और ये 2 इधर जाएगा गुणा कर देगा, 3 इधर जाएगा भाग दे देगा, क्या हो जाएगा 3×10^8 ये 3 भाग देगा, 3 हो गया और 2 क्या करेगा गुणा कर देगा 2, तो 3 से कट गया, क्या बचा 2×10^8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, वायु के सापेक्ष द्रव का आपतनांक ज्ञात कीजिए। तो किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है, क्रांतिक कोण को हम C से लिखते हैं तो C इक्वल टू दिया हुआ 45 डिग्री, और आपसे पूछा गया है N इक्वल टू क्या होगा, या कह लें इस N को आप लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष द्रव का आपतनांक, ANL ए वायु के सापेक्ष, L लिक्विड का आपतनांक, ये आपसे पूछा गया है। और आप एक फार्मूला जानते हैं क्रांतिक कोण और आपतनांक में कि साइन सी इक्वल टू 1/N, या इसी को आप उल्टे भी लिखते हैं N इक्वल टू 1/sin C, तो साइन सी की जगह 45 है इक्वल टू 1/N है, और इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा N इक्वल टू 1/sin 45, और साइन 45 का मान आप जानते हैं तो N इक्वल टू क्या होगा 1/√2, और इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा N इक्वल टू 2√2, और इसको लिखते हैं 1.41, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्रांतिक कोण और आपतनांक में अगर आप फार्मूला जानते हैं तो यहाँ से क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है तो N का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है जो आपतनांक तथा क्रांतिक कोण से संबंधित थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस और मैथ की विधिवत तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।